हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी अर्निंग किंग। देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें, और बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूले। तो फ्रेंड, जो भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जो वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हेड टू हेड की प्राइम टीम फ्री दी जाती है, साथ ही इस मैच की ग्रैंड लीग की प्राइम टीम आप खुद की बनाना सीख सकते हैं यदि वीडियो लास्ट तक देखोगे। साथ ही ग्रैंड लीग की टिप प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप ग्रैंड लीग पर हाई रैंक पर या फर्स्ट रैंक प्राइज जीत सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टीम प्रीव्यू की बात कर लेते हैं। तो पिछला मैच जो था, ऑस्ट्रेलिया 18 रन से हार गई थी और यहाँ पर लीड कर रही है आपके वेस्ट इंडीज। एंडर रशल ने 51 रन की पारी खेली थी 28 बॉल पे, और टोटल स्कोर जो बनाया था वेस्ट इंडीज़ ये 145 रन। जॉस हजलवुड ने बहुत अच्छा विकेट लिया, 3 विकेट निकाला था। ठीक है, मिथिल मास ने 2 विकेट लिया। मैथ्यू वेट्स ने 14 बॉल पे 33 रन, बहुत अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पे कह सकते हैं, एक ग्रैंड लीग में अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। मिथिल मास ने 51 रन की पारी खेली थी, ठीक है, और यहाँ पे ऑल आउट 127 रन पे हो गई थी। तब भी 91 रन पे 3 विकेट थे ऑस्ट्रेलिया के, फिर 127 रन पे पूर ऑल आउट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, जहाँ पे हेडन वाल्स ने 2 विकेट, फेविड आलम ने 2 विकेट और हेडन्स ने 3 विकेट लिया। उसी पर ओबे मौकी ने भी 4 विकेट लिया था, जो 4 ओवर पे 26 रन 4 विकेट, जो मैं आपको ग्रैंड लीग पे कैप्टन चॉइस भी बताया था कि अब इन्हें जरूर लेके जाएगा। ठीक है, तो आज के मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जो आपकी पिच रहेगी। ठीक है, एवरेज इनिंग स्कोर जो है 156 का, सॉरी। ठीक है, तो वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं। तो वेदर यहाँ पे जो ड्यूरिंग द गेम 78% चांस नहीं है कि मैं यहाँ पे फुल गेम होने के चांसेस हैं, और ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो ग्रैंड लीग की प्राइम टीम बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, सेकंड मैच की यहाँ पे आपको बता देता हूँ पिच कैसे। डेरेन समी नेशनल स्पोर्ट एकेडमी पे मैच होता है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, सर्विस है यहाँ पे बैटर वन अगेन हर, और पेशन माइट गेट सम हेल्प, पेशरों के लिए हेल्प मिलती है। एक तरह से कहना चाहता हूँ कि एक एवरेज पिच है, मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए सपोर्टेड पिच है, और यहाँ पे स्पिनर को हैंडरी मिडिल ओवर में कुछ एडवांटेज मिल सकता है यदि सेकेंड इनिंग पे बॉलिंग स्पिनर करते हैं तो ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर जो है वो है 159 रन। ठीक है, प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो लेंडन सिमंस, एमिल लेविस, क्रिस गेल, सिमरन हेटमायर, निकोल्स पूरन, एंडर रशल, फेवरेट आलम, डेवन ब्रावो, ओबे मौकी, हेडन वर्ल्स और फिड एडवर्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे बेंच पे है एक्स कॉटरेल जो खेलने के चांसेस बन सकते हैं, एंड्रे फ्लेचर हैं, अकेले होशैन हैं। ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच कैप्टन, मैथ्यू वेट्स, मिथिल मास बहुत अच्छी पारी खेली थी, ये ऑलराउंडर पे बहुत अच्छे ग्रैंड लीग है हेड टू हेड पे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देने लायक हैं। जॉस फिलिप्स हैं, बेन मैकडेनट हैं, मोसर हेनरिस हैं, डेनियल क्रिश्चियन हैं, ऑस्टन अगर हैं, मिथिल स्टॉक हैं, एडम जंपा हैं, जॉस हेडलपुर। यदि सेकंड इनिंग पे ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करने आती है तो एडम जंपा और ऑस्टन अगर ग्रैंड लीग के पंथर पिक हो सकते हैं, इसलिए सेकंड इनिंग पे यदि बॉलिंग करती है तो आप इन्हें ज़रूर लेके जाइएगा। ठीक है, ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड टू चेसन टीम जो है 60% यहाँ पर विन रही है, बैटिंग सेकेंड 60% यहाँ पर जीती है। एंडर रशल एक अच्छे पिक रहेंगे, पिछले मैच पे 51 रन और एक ओवर में 14 रन देके एक विकेट लिया था। ओवे मौके हैं, 4 विकेट लिया हुआ था। मैथ्यू वेट्स हैं, 33 रन मारा था लास्ट मैच पे। एरोन फिंच है, 4 रन पे वो आउट हो गए थे, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मिथिल मास हैं, ग्रैंड लीग पे या हेड टू हेड पे मिडिल फास्ट बॉलर है, मीडियम फास्ट बॉलर, 51 रन 2 विकेट लिया था। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रैंड लीग की ऐसी टिप कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं देता, क्योंकि ग्रैंड लीग टिप देना मतलब ग्रैंड लीग के फर्स्ट प्राइज को हाथ से दूसरे को दे देना है। ठीक है, तो ये टिप आपको कोई नहीं बताएगा। तो प्रेडिक्शन आपको पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक कर दो, न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो। ठीक है, कैप्टनसी चॉइस होंगी जो ऑस्ट्रेलिया टूर पे है वेस्ट इंडीज़, तो वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है, लेकिन यहाँ पे हेड टू हेड के मैचेस में बात करें तो 19-20 का है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जीत सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ T20 पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती है ऑस्ट्रेलिया भी, और यहाँ पे वेस्ट इंडीज़
पे मैच होने वाला है, तो एडवांटेज भी है। ठीक है, कैप्टन चॉइस जो रहेंगे आज के अभी इस मैच पे, डेरन समी मैच पे स्टेडियम पे, तो मिथिल मैक्स, अरुण फिंच रहेंगे, वाइस कैप्टन पे रहेंगे एंडर रशल, मैथ्यू वेट्स। ठीक है, अब आप यदि बॉलिंग को सपोर्ट करोगे तो वहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे आज मिथिल स्टार्क हो सकते हैं आपके एक पंथर पिक के, ग्रैंड लीग के कैप्टन चॉइस, और ओबेमा की भी एक अच्छी ऑप्शन आएंगे। ड्रेन ब्रावो को के साथ भी आप जा सकते हो। तो आइए चलते हैं, ग्रैंड लीग की टीम बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे 33 रुपीज़ में 5 लाख रुपीज़ आप जीत सकते हो। अब ग्रैंड लीग की प्राइम टीम आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं जो टिप प्रोवाइड करूँगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। यहाँ पे मैंने जो टिप आपको, मैथ्यू वेट्स के साथ ही जाएगा, निकोल्स पूरन तब लीजिएगा जब ये सेकंड डाउन बैटिंग करने आएगी। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएगी, तब इनके साथ आप जा सकते हो, नहीं तो सेकंड डाउन पे आप इन्हें मत लेके जाइएगा, क्योंकि सेकंड डाउन पे नहीं, फर्स्ट डाउन यदि बैटिंग आएगी तो पूरन के साथ मत जाइएगा, सेकंड डाउन बैटिंग आएगी तब ज़रूर जा सकते हैं, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग पे। क्रिस गेल को भी आप ज़रूर लेके जा सकते हो, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैं उन्हें ड्रॉप किया हूँ। इविल लिविस हैं, लिंडन सिमंस हैं, ठीक है, तो मैं इनके साथ गया हूँ। आप चाहो तो लिविस की जगह आप गेल के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे एंडर रशल, मिथिल मास्क के साथ गया हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि सेकंड डाउन बॉलिंग करने आती है ऑस्ट्रेलिया की टीम तो ये अगर बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, और सेकंड डाउन यदि वेस्ट इंडीज बॉलिंग करने आई थी तो अहलम अच्छे ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रैंड लीग की मिथिल मास्क को भी लिया हुआ है, ड्रेन ब्रावो को लिया है, यदि जे हेजलवुड को लिया हुआ है, ओ मैक को लिया हुआ है, एच वर्ल्स को लिया हुआ है। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ यदि टीम यदि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग करने आती है, तो यहाँ पे फिर मैं FRM के साथ चला जाऊंगा। ठीक है, और या फिर बैट्समैन क्रिस गेल के साथ चला जाऊंगा। तो ये कुछ चेंजेस मैं कर सकता हूँ जो आपको बता रहा हूँ। सेकंड टीम जो रहेगी हमारी ऐसे रहने वाली है, जोस फिलिप्स के साथ मैं गया हूँ, मैथ्यू वेट्स को भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, FRM के साथ गया हूँ, हेजलवुड मिथिल स्टार्क के साथ गया हूँ। एफ आलम को इसलिए लेके जा रहा हूँ, ये फिफ्थ सिक्स डाउन बैटिंग करने आएंगे, बैटिंग से भी अच्छे रन मार सकते हैं, साथ ही बॉलिंग पे भी, यहाँ पे जैसे कि सेकंड डाउन पे बैटिंग बॉलिंग करने आएंगी तभी मैं एफ आलम के साथ जाऊँगा, नहीं तो मैं ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है इन्हें ड्रॉप, फिर मैंने ड्रेन ब्रावो के साथ मुझे आ जाना है। यहाँ पे मैंने क्रिस गेल के साथ गया हूँ, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में मिथिल मास के साथ गया हूँ। यहाँ पे मैं एक आध चेंजेस कर सकता हूँ, चाहे मैं एलविन लेविस के साथ जाऊँ या क्रिस गेल के साथ जाऊँ, यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं यदि आप ऑस्ट्रेलिया के फेवर पे जाओगे तो ये दोनों प्लेयर को हटा के जोस फिलिप के ऑप्शन पे चले जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए ग्रैंड लीग पे। तो ये मेरी प्रिडिक्शन रही, तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, न्यू विजिटर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपके मोटिवेशन की बहुत ही ज़रूरत है, लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फ्रेंड, गुड लक।